अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वसीम सजाद। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, अब हमारी मुर्गी की जो है ये कुड़ुक हो गई है। आज मैंने इसको कुड़ुक पे बिठाना है। एक और मुर्गी है, इसकी वीडियो मैंने कल अपलोड की थी। तो ये जो है ये कुड़ुक है जो हमने इनक्यूबेटर बनाया था बग़ैर अंडों के और बग़ैर किसी भी चीज़ के, जो कि हमने ऐसे ही अंडे रख दिए थे। तो अगर उसमें से बच्चे निकले वो मैं इसी मुर्गी के साथ मिला दूँगा। तो इसके अलावा एक और मुर्गी भी कुड़ुक है। तो जितने में भाइयों ने ये कहा था कि भाई आपके पास जितनी मुर्गियाँ कुड़ुक है उनकी हमें वीडियो वगैरह भेजें, तो ये मुर्गी भी हमारे पास कुड़ुक है। तो एक ये है, एक ये है, एक ये है। कुड़ुक मुर्गी मेरे पास तकरीबन हर वक्त ही होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ दिन 5-7 दिन ना हो तो ना हो, नहीं तो कुड़ुक मुर्गी जो है वो हर वक्त मेरे पास होती है। तो अभी हमने इसके नीचे जो है अंडे रखने हैं, वो रखने हैं जो हमने फ्रिज में रखे थे, वही अंडे रखने हैं। अभी मैं जाऊंगा अंडे उठाऊंगा, अंडे उठा के मैं फिर आपको दिखाता हूं। तो अभी जो है चलते हैं, अंडे भी उठाते हैं और आपको मैं दिखाता भी हूँ फ्रिज में वो रखे हुए हैं। तो उससे पहले क्या है, आपको एक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे दूसरे चैनल की लिंक मिल जाएगी, आप जल्दी से जाके उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो तकरीबन 100 सब्सक्राइबर होने वाले हैं उस पर। तो जल्दी से जल्दी कोशिश करें कि जितना भी आप सब्सक्राइब कर सकें उस चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर दें। उसकी लिंक जो है वो आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी और पहले कमेंट में भी आपको मिल जाएगी, उसको जाके सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ से हम अंडे जो हैं वो उठा लेते हैं, उठा के फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो इनको क्या करना है वो भी मैं आगे बताता हूँ कि उसी वक्त आप मुर्गी के नीचे रख सकते हैं या फिर आपको कोई और चीज़ इसके साथ करनी पड़ेगी, ये भी आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। तो वीडियो को मुकम्मल देखते रहें और चैनल को, इसको सब्सक्राइब तो आप भाइयों ने ज़रूर किया होगा, लेकिन उस चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर लें। तो उसकी लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी और पहले कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगी, आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो उसमें हम घूमने फिरने की वीडियो वगैरह बनाते रहते हैं जो कि उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगे। तो अभी मैंने इनको अंडों को उठा लिया है जो कि फ्रिज में मैंने रखे हुए थे। तो मैं इनको ऊपर लेके जाता हूँ, छत पे आ गया मैं। तो छत पे पहुँचने के बाद यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि अब इनके साथ मैंने क्या करना है। तो अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं इन अंडों को जो है यहीं पर रख दूँगा। तो छत पे मैं पहुंच गया, अभी यहाँ पे मैं इन अंडों को रख दूंगा और जहाँ यहाँ पे जो भी टेम्परेचर है ना, उस टेम्परेचर के हिसाब से ये अंडे तकरीबन आधे घंटा या फिर एक घंटा यहाँ पे रखे रहेंगे। तो अभी मैं इनको यहाँ पे रख लिया, छाँव पे रखा है, धूप में कहीं पे भी नहीं रखा, छाँव में रख दिया है। तो आधे घंटे के बाद मैं या फिर एक घंटे के बाद जब ये टेम्परेचर मुकम्मल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो फिर मैं मुर्गी के नीचे रखूँगा। तो दोस्तों, ये वाली मुर्गी है, अभी मैं इसको बिठा रहा हूँ। इसको मैं इसलिए नहीं बिठा रहा क्योंकि अभी ये एक दो दिन ही हुए हैं कि ये कुड़ुक हुई है। तो ये इसको एक हफ़्ता हो गया है, कुड़ुक हो गई है और इसने कुड़ुक भी मुकम्मल तौर पे पकड़ा हुआ है। तो कुछ भाई कहते हैं कि भाई इसने अंडा भी एक इसके नीचे रखा हुआ है। तो कुछ भाई एक सवाल करते हैं कि भाई क्या ये अगर कुड़ुक बिठाया जाए एक हफ़्ते के बाद, 10 दिन के बाद मुर्गियाँ कुड़ुक तोड़ जाती हैं? तो उनके लिए मैं ये चीज़ कहूँगा कि भाई नहीं, मुर्गी कुड़ुक नहीं तोड़ती अगर अच्छी मुर्गी हो। हाँ, ये है कि अगर आप उसकी जगह चेंज करेंगे, मतलब कि आपने अगर उसका सेल कर दिया तो नई जगह पे जाके शायद वो कुड़ुक तोड़ दे, लेकिन पुरानी जगह पे वो कुड़ुक नहीं तोड़ेगी। तो ये रहे हमारे अंडे, अभी तकरीबन इनको एक घंटा हो गया है मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। एक घंटा तो नहीं, आधा घंटा पक्का हो गया होगा। अभी इनमें जो ठंडे थे वो भी ख़त्म हो गए हैं, जैसा टेम्परेचर है उसी हिसाब के पे ये आ गए हैं। तो अभी मैंने इनको यहाँ पे नई जगह एक बनाई है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ और मुर्गी को भी बिठाते हैं। तो दोस्तों, ये है वो जगह जहाँ पे अब हमने अंडे रखने हैं। मैं मुर्गी को अभी पानी दे दूँ, शायद कि ये पानी पीना चाहे, पी ले अगर ये अभी पानी पी ले तो मैं इसको बंद करके फिर मैं जो है कल इसको फीड दूंगा, वरना नहीं दूंगा। तो बॉक्स ये वाला इसलिए रखा है क्योंकि इसमें अंडे जो है वो ज़्यादा आ जाएंगे और गर्मियां हैं, गर्मियों की वजह से हीट जो है वो इसकी मुकम्मल खुद ब खुद पूरी हो जाएगी। तो हीट की यहाँ पर हमें कोई टेंशन नहीं है, बाकी अंडे जो हैं वो हम यहाँ पर रख देते हैं। ये सारे के सारे अंडे वही हैं जो कि हमने फ्रिज में रखे थे और अब फ्रिज से उठा के इनको बाहर रखा है। बाहर रखने के बाद अब मैं इनको मुर्गी के नीचे रख रहा हूँ। तो इसका रिज़ल्ट भी जो है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से रिज़ल्ट निकला। अंडे मैं ज़्यादा इस तरह से रख रहा हूँ कि गर्मी है, इनको ज़्यादा हीट की ज़रूरत नहीं है। तो मुर्गी जितनी भी हीट देना वो इनके लिए काफ़ी है, तो इसी वजह से मैं अंडे थोड़े रख रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं
इसको रख लूँ। मुर्गी जो है वो तकरीबन यहाँ से लेके यहाँ तक आएगी, लेकिन अंडे इधर उधर पड़े रहेंगे, फिर भी कोई टेंशन नहीं है। मैं अंडे गिन लूँ कि कितने अंडे हैं टोटल। 25 से लेके 26 अंडे तक हैं इनमें, तो कोई मसला नहीं है, ये रख देते हैं। क्योंकि गर्मियाँ हैं, अगर सर्दियाँ होती तो मैं 15 से लेके 17 अंडे तक ही रखता, ज़्यादा ना रखता, लेकिन गर्मियाँ हैं, इसी वजह से ये अंडे सारे के सारे रख दिए। अभी मुर्गी ये घूम फिर रही है, खा पी कर ले, फिर मैं इसको यहाँ पे इसमें बंद करके जो है दरवाज़ा इसका बंद कर दूँगा, और नए अंडे जो हम स्टोर करेंगे वो फिर हम इसी बॉक्स में जो है स्टोर करेंगे। तो इस पे अगर आपने वीडियो देखनी है कि किस तरह से हमने स्टोर किए थे और किस तरह से अगर फ्रिज में अंडे रख के बच्चे निकलवाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी वीडियो जो है वो आपको मिल जाएगी इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी लिंक, आप उस पर क्लिक करें और जाके वो वाली वीडियो देखें अगर आप फ्रिज में अंडे रख के बच्चे निकलवाना चाहते हैं तो। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर दें। वीडियो आज वाली जो है वो बहुत लंबी हो गई है, तो ओके दोस्तों बस आपने लाइक कर देना है, अल्लाह हाफिज़। तो अभी मैंने इसको पकड़ के जो है अभी बंद किया है, तो देखें किस तरह से अंडों को अपने नीचे दे के बैठ रही है। अभी अभी मैंने बंद किया है तो अभी अभी बैठना इसने शुरू कर दिया है। तो अच्छी मुर्गी है, मुझे तो बहुत ही पसंद है, इसकी यही चीज़ें मुझे पसंद है कि जब भी मैंने इसको बिठाया है, जिस भी जगह पे मैंने बिठाया है, ये मुर्गी जो है ये आराम से बैठ गई है। चाहे मैंने इसको एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे बिठा दिया हो, चाहे मैंने इसका कुड़ुक तुड़वा दिया हो, ये बड़ी ही कमाल की मुर्गी है। इसने जितनी बार भी मैंने इसको बिठाया है ना, तो ये कुड़ुक भी पकड़ लेती है। अगर मैंने इसको ज़बरदस्ती से कुड़ुक करना हो, मैं अगर ये एक जगह पे कुड़ुक हो, मैं उठा के दूसरी जगह पे बिठाऊं, तब भी ये मुर्गी माशाल्लाह से बड़े ही कमाल की है, मेरे लिए तो बहुत ही बेहतरीन है। तकरीबन मुझे एक साल हो गया ये मुर्गी मेरे पास है। तो ये इस बार मैं जब मैंने सेल की थी तो एक भाई ने कहा था कि भाई मैंने लेनी है, लेकिन वो पता नहीं क्या वजह थी, फिर क्या हुआ, बस फिर किसी तरह से उनका नहीं बना। तो अच्छा हुआ कि नहीं बना, जो भी होती है चीज़ वो अच्छे के लिए ही होती है। तो कोई नहीं, अभी देखें मुर्गी हमारी जो है वो बैठ रही है, ये अभी बैठ जाएगी बस। फिर ये मैंने इसलिए लगाई है यहाँ पे, इसमें इस वजह से बिठाई है ताकि इसको हवा जो है वो लगती रहे। हवा का ख़ास ख्याल रखना है क्योंकि गर्मियाँ हैं, मुर्गी को भी हवा लगनी चाहिए ताकि वो भी तंग ना हो। तो ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफिज़।